सहारा परिवार के मुखिया सहारा सिंह सुब्रत रॉय के निधन के साथ क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? अब सहारा के पैसे कैसे मिलेंगे? ऐसे तमाम सवाल आज करोड़ों निवेशकों की जुबान पर है। करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी। लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने जमा पैसे मिलने की आस जगी थी। सहारा चीफ के निधन के साथ ही क्या यह आस खत्म हो गई या फिर उनका पैसा वापस मिलेगा? आइए जानते हैं निवेशकों को मिलने वाले रिफंड का अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया। इस पर अपना पैसा वापस लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया। सहारा रिफंड पोर्टल 4 समितियां उत्तरदायी है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों के जरिए सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा। पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए आप दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 1800103689। इसके अलावा 1800103689 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 11 साल में सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इसके साथ ही स्पेशल तौर से खोले गए खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25 करोड़ रुपए से अधिक है। निवेशकों का पैसा सेबी के पास है और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलना तय है। अब बात करते हैं सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के IPO से हुई। नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ निवेशकों को पैसा लौटाने को कहा। सहारा इंडिया रिटेल स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस कोर्ट में है। 30 सितंबर 2009 को सहारा की कंपनी प्राइम सिटी ने IPO के लिए सेबी के पास DRPH दाखिल किया। सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी के फंड जुटाने के प्रोसेस में कमी मिली। 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी की शिकायतें मिली कि दोनों कंपनियां OFCGS से पैसे जुटा रही हैं। सेबी को पता चला कि कंपनी ने इसके जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उनसे अनुमति नहीं ली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा। निवेशकों की डिटेल्स भी देने को कहा। सहारा 3 महीने के भीतर पैसा जमा नहीं कर पाया तो कोर्ट ने 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त जमा की और बाकी पेमेंट कभी जमा नहीं किया। सहारा ने दावा किया कि वह पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका है। इसके बाद सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया गया। अप्रैल 2013 में सेबी ने IPO की फाइल भी बंद करवा दी। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सुब्रत रॉय को हिरासत में ले लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 से पैरोल पर जेल से बाहर थे और अब लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।